हाँ उमर। व्हाट? हाउ इज दिस पॉसिबल? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अरे मैं तो खुद हक्का बक्का रह गया ये सुनकर। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं उस टाइम उनको क्या जवाब दूं। तुम लोगों को गलतफहमी भी तो हो सकती है। यू कांट बी श्योर ऑफ द सीसीटीवीज। वहीं इतना हजूम होता है, इतने लोग होते हैं, सब लोग एक साथ निकल रहे होते। नहीं मामू, मामी इस बंदे को 110% जानती थी। ये तो सीसीटीवी फुटेज देख के ही पता लग गया था। आई कांट बिलीव इट। मैं अपने एक दोस्त से बात करता हूँ, वो सिविल एविएशन में। उमर तुम कुछ भी कहो, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यकीन करना कि कुकी अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई। और प्लीज तुम ख्याल रखना, जरा घर पर ऐसी कोई बात ना हो। किसी से बात करना और किसी के साथ चले जाने में बहुत फर्क होता है। मैंने तो आपको वही बताया जो मैंने देखा है। बच्चे अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि तुम्हें हर बात समझ में आए। बाज दफा आंखों देखा भी गलत होता है। And that's what it is. Listen, I don't want any more speculations, okay? Let me handle it. Bye. मुझे तो किसी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है। कुकी ऐसा कर ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो उमर ने अपनी आंखों से देखा है, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बेटा बास दफा आंखों से देखी हुई चीजें भी गलत होती हैं। लेकिन आपकी आंखें तो कभी नहीं खुलेंगी ना। जो साफ दिखाई दे रहा है वो आपको नजर नहीं आता, बस अपनी बहू के गुनगाने में लगे रहते हैं। अरे हद कर दी, दुनिया देखी है मैंने नफीसा बेगम। सारा कसूर आपका है। कितना मना किया था मैंने कि भाई ये मोहल्ले की लड़कियां हमारे रखरखाव नहीं समझ सकती, लेकिन नहीं, देख लिया नतीजा उसका। जी खासी फजूल बातें कर रही हूँ। उस बच्ची की सारी जिंदगी तुम्हारी नजरों के सामने है। कभी कोई खामी नजर आई है उसमें तुम्हें आज तक? एक आप बहू के मुरीद, एक आपके बेटे दुनिया के इंतहाई जन मुरीद। खुली छुट्टी दे रखी थी उसको। पता नहीं वहां क्या कुछ हो रहा था, हमें क्या पता। मेरे बच्चे पे क्या गुजर रही होगी वहां पर।